अच्छा जी, तो फाइनली जो था हमारा सिलसिला मंडी पहुंचने का वो पहुंच गए। इससे पहले एक बार और मंडी आ चुके हैं, हम वो आए थे रात में, तो ये इस बार आए हैं दिन के अंदर। अब लोग देख सकते हैं पीछे धना धन जानवर और क्या क्या कुछ खड़ा हुआ है, बहुत कुछ खड़ा हुआ है। इन शॉर्ट आगे कोई सौदा बना वो भी दिखा देंगे, बट अभी हम लोग जो छोटी मंडियाँ होती हैं ना उनमें, तो अगर हमें यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया तो सुरापगढ़ जाएंगे, क्योंकि सुनने में ये आया है कि सुरापगढ़ में दरमियाने लेवल का जानवर नहीं है, इस तरह की छोटी मंडियों में मिल जाता है। ये देखिए तो सूरज जानवर खड़ा हुआ पीछे, मेरे पीछे जानवर खड़े हुए सारे के सारे इधर। और हम इस वक्त यही जगह, ये सुरापगढ़ के रास्ते में पड़ रही है मंडी, यहाँ पर आए हुए। अभी एक का सौदा भी चल रहा है, वो भी दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखो भाई, ये इनाम भाई इसका सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी इस जानवर की, पता नहीं होता है नहीं होता क्या होता है, उम्मीद तो है कि हो जाएगा मुझे। खैर ये समझ में आ रहा है, वो उसके 60,000 बोल रहा है, इसके 1,20,000 बोल रहा है, अलग अलग रेट है भाई। अब इन शॉर्ट देखते हैं हमारे मामलात कहाँ जाके रुक सकते हैं, जहाँ रुकेंगे वहीं से सुजुकी लोड होगी और निकल लेंगे। 140 अच्छा, ये इस तरह के जानवर होते हैं ना थोड़े ढीठ टाइप के, इसको मैंने लात नहीं मारी, लात मारनी भी नहीं चाहिए जानवरों को, बड़े प्यार से उठाने की कोशिश की पर ये उठ नहीं रहा। और दूसरा जो मालिक साहब थे उन्होंने कह दिया इसका सौदा हो गया। ये भी 1.5-1.5 लाख के जानवर हैं, ये कुछ अजीबोगरीब है। इसके बारे में हमने पूछा तो उसने खोल के ले जाओ, तो कुछ अजीब जहाँ पर जो है ना मंडी थोड़ी सी हमारे वो आगे नाम भी जा रहे हैं, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर थोड़ी सी मिड है, सुरापगढ़ में इस तरह की मंडी नहीं है। तो अब देखते हैं यहाँ हमारी काम की चीज़ बनती है कि नहीं। तो इस मंडी को छोटा समझ रहा था, पर यहाँ पर भी बड़े सीन हैं भाई, बड़ा बड़ा जानवर है ये देखें, मंडी इस तरीके से चल रही है, जानवर ही जानवर है। यहाँ पर एक साहब बता रहे थे कि ऑलमोस्ट यहाँ पर भी 4-5 हज़ार जानवर खड़ा हुआ। मैंने कहा यार ये तो क्लास हो गई, हमारे घर वाले वहाँ निकल गए, तो मुझे उन तक पहुँचना है कुछ भी करके। यार ये मंडी में ये क्या होता है, मतलब ये आई नो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको साफ सफाई करना, पर हो नहीं सकती, करने को चाहे तो कर सकते हैं। खूबसूरत एक और जानवर मुझे यहाँ पर नज़र आ गया, ये रहा। इसके साथ अभी ले आते हैं, चलो भाई एक पे और नज़र आ गई इस वाली पे, इनाम को पकड़ते हैं अब। यार अगर मैं इस जानवर को ना मंडी का खूबसूरत तरीन जानवर कहूँ अब तक का, तो गलत नहीं होता, खूबसूरत तरीन और अच्छा, वैसे भी 1.5 लाख। ये देखें मंडी में घूमते घूमते हमें मुर्गा मुर्गी भी मिल रहे हैं यहाँ पर, अब इसकी कुर्बानी कौन करने वाला है ये मुझे नहीं पता, पर ऐसे भी लोग होते हैं। अच्छा कम बैक टू द पॉइंट, ये एक चीज़ समझ में आई है, वो एक उधर भी खड़ा हुआ है पर वो इतना ज़्यादा समझ नहीं आया मुझे। अपने लिए वो ब्लैक एंड वाइट वाला अच्छा लगा। तो अब कंक्लूजन पर पहुँचते हैं, जानवर खैर फ़िलहाल अभी काशिप भाई का चाहिए। कंक्लूजन पे वो इनाम भाई बैठ गए वहाँ पर अपने काम धंधे चलाने के लिए, वो मास्टर हैं इस काम के। और दोस्तों हमारे साथ हो गया एक अदद फंडा, नहीं कहेंगे मेरे ख्याल से इसको, और क्या कहेंगे। यहाँ आए और गाड़ी ने साथ छोड़ दिया, पर खैर है चलते रहता मशीन है, तो अब मैकेनिक को बुला लिया, वो ले जाएगा गाड़ी यहाँ से, और कोई बड़ा छोटा मसला होता है तो बनवा के देगा। बाकी हम फिर अपना सफ़र आगे परवीन सर्विस से जारी रखेंगे, हमारा सफ़र आज रहेगा बरकरार आप लोगों के साथ, और
गाड़ी खड़ी करके भूल गया मेरे ख्याल से, हम गाड़ी पता नहीं कहाँ खड़ी की थी, पर पहुँच जाएंगे यार, ये मिल गई। हाँ तो जी, इतनी सारी जगहों पर घूमने के बाद ये जानवर हमें मंडी से मिला, ये पहुँच भी गया। नहीं नहीं अच्छा मिला काशी भाई, ये मुझे यहाँ पर ना ब्लॉग बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ कह नहीं सकता है। यहीं कहीं बनाया करेंगे अब। तो जी अब ये सिलसिला है आज का, सुबह हम पैक से भी होकर आ गए, देन फिर उसके बाद मंडी भी चले गए, मंडी से जानवर भी आ गया। और अगर आप में से बहुत सारे लोग इमाद भाई को जानते होंगे तो इमाद भाई को ये जानवर आया है काला वाला, ये हाँ ये, पैसे नहीं बताते हम लोग कभी भी। तो मूड नहीं था पर यहाँ पर ये देखे इमाद भाई प्रोफेशनल तरीके से ना ये चारा बना रहा है, आप में से जो कोई भी लोग सीखना चाहें। यार अब प्रॉब्लम ये है, हम लोग हैं गरीब टाइप के लोग, ये लोग प्रोफेशनल लोग हैं, ये लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं।